जानते हैं। साथियों, दशकों तक चले तेलंगाना आंदोलन में हजारों लोगों ने त्याग की, तपस्या की, बलिदान दिए। ये बलिदान तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए थे। ये बलिदान तेलंगाना की आन बान शान के लिए था। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है, एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं।